नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोटो जी फाइव प्लस के बारे में। यहाँ दोस्तों मोटो जी फोर काफी एक पॉपुलर फोन रहा है, उसके बाद मोटो जी फाइव और जी फाइव प्लस की काफी लीक्स और रूमर्स आ रही थी। अभी कुछ ही वक्त पहले एक वेबसाइट में फाइनली रिवील कर दिया गया है। वैसे ऑफिशियल रिवील तो नहीं किया गया है, मगर जिस हद तक हमने अभी तक देखा है, जो लीक्स और रूमर्स निकल के आते हैं वो काफी 80% तो लगभग सही निकल के आते हैं। मगर एक वेबसाइट में पूरी इसकी स्पेक्स और इमेजेस वगैरह मोटो जी फाइव प्लस की लीक होके निकल आई है। अब हम ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं सुमित डेरो, आप सभी का स्वागत है टेक इट अप फॉर यू में। दोस्तों वीडियो को आप देखने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जो कि इस तरीके का रेड कलर का बटन आपको देखने को मिल जाएगा सीधा इस वीडियो के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम इसके फर्स्ट लुक के बात कर लेते हैं, ये स्मार्टफोन आखिर दिखने में होगा कैसे। तो इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको ये स्मार्टफोन मिलने वाला है। इसमें आपको बैक की तरफ जो कैमरा मिलने वाला है वो एक सर्कल राउंड रिंग के अंदर आपको ये कैमरा मिलने वाला है। कैमरा का सेक्शन वही होगा उसमें आपको, और एलईडी फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। और हम कुछ ही देर बाद इसके जो स्पेसिफिकेशंस जो निकल के आए हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। फ्रंट में आपको सेल्फी के लिए कैमरा भी मिल जाएगा, और मगर इसमें आपको आप जो की देख रहे हैं जो फ्रंट में जो होम बटन है वो थोड़ी कर्व शेप की आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जबकि उसमें इसके मोटो जी फोर और जी फोर प्लस में आपको स्क्वायर शेप की देखने को मिलती है। और इसकी जो बॉडी की जो डिजाइन है वो हो सकता है आपको देखने को मिल जाए मोटो जी फाइव प्लस में, यूनी मेटल बॉडी डिजाइन आपको देखने को मिल जाए। और अगर हम इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इसमें आपको जो स्पीकर सेक्शन मिलता है उसका तो अभी क्लियर कोई कंफर्मेशन है नहीं कि ऊपर मिलेगा, नीचे मिलेगा, साइड में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, मगर आपको इसमें साइड में जो वॉल्यूम रॉकर की और पावर की देखने को मिल जाती है। इसी के साथ आपको इसमें 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है, मगर आपको इसमें यूएसबी टाइप सी पोर्ट नहीं मिलने वाला है, जिस तरह की अभी कुछ अपडेट्स वगैरह निकल के आ रही है। इसमें आपको सिंपल यूएसबी चार्जिंग का पोर्ट मिलेगा, मगर आपको इसमें यूएसबी टर्बो चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम इसके स्पेक्स की बात करें मोटो जी फाइव प्लस की, तो ये आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आपको डिस्प्ले जो मिलने वाला है हो सकता है इसमें आपको 5.2 इंच का डिस्प्ले मिल जाए, 1920x1080 पिक्सल का आपको ये डिस्प्ले मिलने वाला है, और इसमें आपको एंड्रॉइड 7.0 नोगट मिल जाए। तो अगर आपको ये ऐसा मिलता है तो काफी अच्छी बात होती है, मगर आपको इसमें जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 मिलने वाला है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। एड्रिनो 506 आपको इसमें जीपीयू मिलने वाला है इसमें आपको। मगर एक डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि जो लीक्स और रूमर्स में निकल के आ रही है उसमें आपको सिर्फ मिल सकती है 2GB की रैम, जो कि अभी के टाइम पे एक एवरेज फोन्स के हिसाब से 2GB की रैम होती है। और अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये हो जाएगा 10,000 के ऊपर, जैसे हमने कॉमन देखा ही है। मगर ये 2GB की रैम अभी ये जस्टिफाई करता है कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इसकी जो खबरें अपडेट्स रिपोर्ट्स निकल के आ रही है मोटो जी फाइव प्लस के बारे में, होने वाली इसमें 2GB की रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज। फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें आपको 3GB और 4GB की रैम का वर्जन भी देखने को मिल जाए हम सभी को। और इसके जो स्टोरेज है वो हो सकता है एक्सपैंड 128GB तक। और इसमें आपको जो कैमरा मिलने वाला है वो भी आपको 12 MP का ड्यूअल ऑटो फोकस ड्यूअल LED फ्लैश के साथ मिलने वाला है, जिस तरह की खबरों में निकल के आ रही है और रिपोर्ट्स वगैरह में निकल के आ रही है। मगर रिपोर्ट्स में कुछ इस तरह की भी कुछ खबरें निकल के आ रही है कि आपको जो सैमसंग के जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन में जो कैमरे के फंक्शंस वगैरह कुछ आपको देखने को मिल जाते थे, वो इम्प्रूवमेंट आपको इस स्मार्टफोन में भी देखने को मिलेगा, इस तरह की कुछ खबरें निकल के आ रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें आपको रैम शायद से कम रहे, मगर आपको इसका कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा होने वाला है अगर ऐसा कुछ होता है तो। वैसे भी जी फोर प्लस में कैमरा काफी अच्छा था, दूसरे अगर स्मार्टफोन से अगर हम कंपेयर करें उसकी जो फंक्शंस थे वो भी काफी अच्छे थे, तो हो सकता है इसमें आपको और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाए मोटो जी फोर प्लस से ज्यादा जी फाइव प्लस में। और अगर हम इसके जो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें वो 1080p पे 30fps पे ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, और 5 MP का आपको इसमें सेल्फी के लिए कैमरा मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है आपको, जो फ्रंट में जो बटन है होम बटन आप इसे कह सकते हैं, उधर पे आपको हो सकता है मिल जाए फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिलेगा, क्योंकि इमेजेस में पीछे की तरफ तो कोई की है ही नहीं, फ्रंट में ही आपको जो डाउन साइड है स्मार्टफोन का उधर पे आपको देखने को मिल जाएगा, बॉटम पे ये की देखने को मिल जाएगी। 4G OLTE भी सपोर्ट करने वाला है ये स्मार्टफोन, ड्यूअल सिम के साथ आने वाला है, और इसमें आपको 3000 mAh की
बैटरी मिलने वाली है जिसका कि खबरों में निकल के आया, और जो टर्बो चार्जिंग है वो आपको इसमें मिल जाएगी, मगर आपको इसमें यूएसबी टाइप सी नहीं मिलने वाला है जिसका कि कुछ इमेजेस वगैरह में निकल के आया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस। मैं हूं सुमित, आपसे जल्दी मिलूंगा इसी तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगले वीडियो में। चेक इट आउट फॉर यू।